Good afternoon, Virgos. This is your reading for the month of May. Um, the there has just been an eclipse. ऑन द ट्वेंटी इक्लिप्स एक ग्रहण है अभी बीस तारीख को ग्रहण हुआ है और चार तारीख को एक और ग्रहण है तो इस ग्रहण का सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहण जो होता है वो छह महीने बाद दोबारा होता है और हर छह महीने एक नई कहानी लेकर आता है एक नया बदलाव लेकर आता है तो आपकी जिंदगी में वो कौन सी कहानी खत्म हुई है Uh, आपने कोई काम शुरू किया था या आपने कुछ सोचा था नया काम करने का और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी आपने घूमने uh, फिरने भी गए थे प्रोजेक्ट के लिए काम के लिए आप काफी घूमने फिरने भी गए तो अब यह होने वाला है कि पैसे जो हैं वो आप कमाने वाले हैं आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो आपकी शादी करने का वक्त भी आ चुका है और वो भी हो सकती है इन छह महीनों में आ, बाकी मई के महीने में एग्जैक्टली exactly, क्या होने वाला है मई के महीने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कोई है जो आपको बेवकूफ बना रहा है कोई है जो आपको चीट कर रहा है कोई है जो हो सकता है आपसे कुछ चुराने की कोशिश करेगा तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है हो सकता है आपके ऑफिस में आपका कोई प्रोजेक्ट का क्रेडिट चुरा ले हो सकता है आपके घर में कोई हेल्प जो है हाउस हेल्प वो कोई चोरी कर ले हो सकता है आपकी गलती की वजह से आपका फोन लैपटॉप कहीं पर आप भूल आए या छोड़ आए या रिक्शा टैक्सी में रह जाए या गुम जाए ऐसा कुछ भी हो सकता है तो आपको थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखने की जरूरत है आ, काम बहुत ज्यादा है तो आपको ये काम बांटना चाहिए लोगों को लोगों का काम अपने सर लेने के बजाय अपना काम थोड़ा थोड़ा बांटो ताकि आपका बोझ थोड़ा कम हो जरूरत से ज्यादा बोझ लेकर कोई सुखी नहीं रहा वैसे कभी जिंदगी में हाँ आप अपने एलिमेंट में हैं एम्बिशियस हैं आप जानते हैं कि आप काम कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं आप जीत सकते हैं सब कुछ है आप जो मांगेंगे वो पूरा होगा और आपकी इच्छा पूरी होगी लेकिन उसके लिए गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि गधा मजूरी जो है ना वो सड़क का मजदूर भी करता है उसकी तो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसके लिए दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है और अगर आपका दिमाग ना चल रहा हो तो आप मुझसे रीडिंग ले लो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके गिनी डॉट कॉम मेरी वेबसाइट है उसके द्वारा आ, बुक करके अपॉइंटमेंट आप अपनी गाइडेंस के लिए रीडिंग ले सकते हैं फिलहाल आपकी एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या गाइड करते हैं वो देखें एक तो किसी भी चीज को बहुत सीरियसली लो वर्गोस बहुत सीरियस होते हो लाइफ में मतलब तुला नहीं आ, कन्या राशि इतना सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ में थोड़ा हंसना खेलना सीखो और आ, हर चीज को हंसी में लाइफ इतनी सीरियसली लेके ना कभी कोई घुटन हो जाएगी थोड़ा हंसो खेलो लोगों से मिलो जुलो लाइक आई सेट यूज यशन एंड यू सी द आंसर अपना दिमाग इस्तेमाल करो आपको आपके एंजल्स आ, और ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं थैंक यू सो मच और आप सुरक्षित हैं इसलिए डरने की कोई बात नहीं है wow. So, ये था आपके मई के महीने के लिए गाइडेंस अगर आपको गाइडेंस की जरूरत लगे कि आप रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मीनवाइल टेक केयर थैंक यू गुड बाय हैव फन